Hey guys, welcome to my new vlog. तो आज का vlog थोड़ा interesting है. मैं आज vlog भी बहुत लेट स्टार्ट करा. एक जगह जाने वाला हूँ मैं आज शाम में. देखेंगे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे. चलकर रखते हैं. मुझे यार कांच में दिख रहा है, कैमरे के कांच में दिख रहा है राइट स्टाइल. हाँ तो हाँ कोई यार कुक उक कर मैं ट्राई करूँ. मतलब आज एक जगह जाऊँगा मैं, वहाँ जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे कि नहीं पता मुझे. आज का मौसम गाइस, आज का मौसम ऐसा दिख रहा है पूरा बारिश बारिश. सुबह से बारिश गिर रहा है, थोड़ा ठंडा ठंडा वेदर हो रहा है. कोयल कुकू को बोल रही है. और एक एक जगह ऐसा है तो पिकॉक तो चिल्लाते रहते हैं. अच्छा आज का वेदर बहुत बढ़िया हो रहा है. ऐसे मौसम में गर्म गर्म पकौड़ी खाने का मज़ा अलग है. मगर पकौड़ी अभी कहाँ मिलता है मुझे नहीं पता. ऑलमोस्ट शाम ही मिलता पकौड़ी, अभी तो सुबह सुबह कोई नहीं मिलता. सुबह सुबह नहीं दोपहर दोपहर हो रहा है. ऑलमोस्ट 1:30 हो रहा है टाइम. तो लेट्स गो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं. भाई सी हमारे घर का फूल है. मौसम की वजह से पूरा बढ़िया दिख रहा है, पानी पानी दिख रहा है. हाँ और एक एक जो येलो कलर के शूज़ है वो मुझे धोने के लिए धोने वाला था मैं. वो बारिश की मौसम की वजह से मैं धोए नहीं धोया. उससे ही मुझे काम है कल, आज मतलब आज शाम में उससे मुझे काम है. तो बारिश की वजह से मैंने धो पाया. धोएंगा तो मैं फिर कहाँ सुखाऊँ. ट्राई कर दूँगा आज धोने का, अभी धोने का ट्राई करूँगा. सूख गया तो शाम तक तो बढ़िया है. फिर कूलर के नट खोले तो फैन के नीचे हैं तो एसी के अंदर सुखाना पड़ता है उसके. तो लेट्स गो ट्राई करेंगे धोने का उसको. वैसे शूज़ ऐसा है पूरा ब्लैक. मैं बाहर लगा के ये ऑलमोस्ट मैं 3-4 मंथ से यूज़ नहीं करा ये शूज़. बाहर लगा के ऐसा हो गया ये. तो मैं क्लीन करने के बाद आपको बताऊंगा कैसा हो गया ये. अभी ऐसा है क्लीन करने के बाद बहुत बढ़िया हो जाएगा शायद. मैं ट्राई करूंगा अच्छा क्लीन करने का. तो गाइस एक पॉपट हो गया. मैं धोने वाला था, धोते धोते उसके लेस टूट गए तो मैंने शूज़ चेंज कर दिए. तो अभी मैं ये शूज़ पहनूंगा. हाँ ये शूज़ पहनूंगा उसके लिए जो शाम में जाने वाले उसके लिए ये शूज़ पहनूंगा. तो ये शूज़ धोने के बाद बताऊंगा. ये शूज़ तो नॉर्मल अच्छे ही है, बस इसका ये ग्रिप धोने का है. तो क्या है सोल धोने के बाद एक बार दिखाता हूँ मैं आपको कैसा पाया हुआ क्या है. तो गाइस आज का लंच मटन बिरयानी. ऑलमोस्ट 4 बज रहे. मैं अभी लंच कर रहा हूँ. लंच का शेड्यूल पूरा बिगड़ गया, डिनर का शेड्यूल भी पूरा बिगड़ गया. वो सही करने के लिए हो थोड़ा 2-3 दिन लगेंगे. तो अभी लंच करते हैं. तो गाइस खाना तो हो चुका था. अरे ये बार बार रिपीट यही फ्रेम आ रहा है पीछे. बार बार जब भी मैं ये बोल रहा था खाना हो गया था. हाँ खाना ही हो गया था. मन में जब एक क्या बोलते लास्ट व्लॉग भी फ्राइडे वाले दिन यहाँ ही बोला था मैं खाना ख़त्म हो गया था. तो फ्रेंड्स के घर के बाद अभी फिर से मैं दोस्त के घर पे जा रहा हूँ. अभी उसका एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए तो हर दिन उसके घर में रह रहे, इसलिए तो हम उसके घर पे जा रहे हैं. जब उसके एग्ज़ाम थे हमारे को मिलता भी नहीं था, वो बिजी पर्सन था. तो अभी पबजी खेल रहा है वो. पबजी खेल मैं भी पबजी खेलता था. हाँ पबजी खेल के ऑलमोस्ट 2 साल हो गया, छोड़ दिया मैं पबजी. चलो अंदर जाए. तो गाइस हम पबजी खेलने के बाद कुछ आड़ा टेढ़ा कर रहे थे. तो ये एक यूट्यूब में हमने ये देखा था, सबका फिंगरप्रिंट लगाने के बाद तो फ़ोन ओपन होता है. मगर फ़ोन हम जब ऐसा कर रहे थे ओपन ही नहीं हो रहा था. उसका फ़ोन का प्रॉब्लम है या हमारा फिंगरप्रिंट का प्रॉब्लम था वो हमें पता ही नहीं चल रहा था. हम आधे घंटे से ट्राई कर रहे थे ये सब क्या है कि सीन पता. तो जो भी ये एक पार्ट है ना, मैं वॉइस ओवर करके शूट कर रहा था. जब मैं वॉइस कुछ अलग अलग बात कर रहा था, अलग लैंग्वेज में बात कर रहा था. तो अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ मैं. ये शूज तो हम किधर आए. 11 टाइम है ना. तो हम जिम को आए, जिम स्टार्ट करें हम. ये 30 मंथ बॉयस. हाँ
तो हम जिम को स्टार्ट आए। व्हाट यू से हम योर फर्स्ट जिम डे? अच्छा अच्छा दिस बोथ आर कैमरे में आने के लिए शर्माते यारे भाई नहीं। हाँ तो बात कर रहे कैमरे को देखते हैं शर्माते। तो आज फर्स्ट डे है जिम का। इस हम चार जने आए जिम को। आप सोच रहे होंगे तीन जने, मगर हम तो तीन जने और एक जना मैं आपको वीडियो में बता दूँ। देखो अभी कौन है वो? ये वो इंसान है जो जिम को आने वाला है हमारे साथ। हाँ गाली चौक देखे नया शूज पहन के। ये भैया आने वाले हैं, राजा भैया मेरे साथ आने वाले जिम को। तो गाइस ये हमारा जिम है। हम जिम करते करते अभी ब्लॉगिंग नहीं कर सकता मैं, तो थोड़ी देर के बाद ही। गाइस जिम हो गया मेरा, आज फर्स्ट डे था जिम का मेरा। हाँ तो मैं आपको सबको बता दो ब्लॉग में, तो देखो कितने जने वर्कआउट कर रहे हैं मेरे जिम में। तो वहाँ ब्लॉग चल रहा है गाइस। लिटरली मेरे पाप पूरे से पकड़ लिए। फर्स्ट डे है ना, तो कार तो पीछे पार्क है। सब लोग आज तो वो रहते हैं ब्लॉग में, लो ब्लॉग में आज लिटरली। कल भी आ तुम मैं कार किधर पार्क है लिटरली। सबको वियर्ड दिख रहा है, हम तीनों को तो वियर्ड दिख रहा है कि बोले तो हम फर्स्ट टाइम आए। राजा भैया का तो ऑलमोस्ट एक साल हो गया था जिम को नहीं आके, हमारा तो फर्स्ट टाइम है आज। फर्स्ट डे था जिम का। हम ऑलमोस्ट 6:30 को आए, 8 बजे जा रहे हैं हम। पर एक बात में शूज़ मुझे अनकम्फर्टेबल दिख रहा है, तो मैं नया शूज़ भी लूँगा 2-3 दिन के बाद, ऑर्डर करेंगे। लेट्स गो। तो गाइस अभी हम आए जूस पीने के लिए, तो लेट्स गो। जिम के बाद जूस पीना इम्पोर्टेंट है, एवरी डे हम अभी पीने वाले हो। इसका भी मंथली पैकेज ले लेंगे, तो जूस पीने चलो। गाइस हमारे जिम के पास कितना ट्रैफिक है बताएं? पूरा ट्रैफिक ट्रैफिक है। अभी मैं यहाँ जूस लेने के लिए रुका हूँ। गली वालों ना भैया गाइस मेरा जूस राजन ने ले लिया फोटो के लिए। व्हाट इज दिस? मेरा जूस है वो जिम मतलब जूस पी लिए, जिम आ रहे बार बार जूस पी लिए। तो अभी घर को जाके मैं नहाऊंगा, नहाने के बाद कुछ खाऊंगा। कार अच्छा मैं सोचा पीछे ही है कार, आगे है कार, तो कार के पास आज मैं चलाऊंगा गाड़ी। नहीं 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 मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता काफ़ी, तो अभी जाके नहाऊंगा खाऊंगा सो जाऊंगा, फिर व्लॉग एंड करने का समय आएगा। तो लेट्स गो, तो घर को जाएंगे। तो गाइस घर पे आ चुके हैं, अभी खाना खा रहा हूँ मैं। आज खाने में थोड़ा स्पेशल है कि बोले तो हम वन वीक से नॉन वेज नहीं खा रहे थे, तो आज नॉन वेज है। तो ये दही रायता बोलते चिकन और प्याज तो मुझे मिली थी किचन में, डैडी काट के पापा काट के बगा। मैं डैडी बोलता हूँ पापा को, बरवा डैडी बोलता हूँ, मीन्स छोटे जब से डैडी 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 बोलते बोलते। तो खाने के बाद ब्लॉग एंड करेंगे। तो आज के ब्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता है अगले ब्लॉग में। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।